दिव्यांका त्रिपाठी दहिया बनी बेगम ऑफ भोपाल। बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक के लिए दिव्यांका का देखने मिला नया लुक। दिव्यांका बनी थी शो स्टॉपर। बेगम के लुक में दिव्यांका ने लूटी सारी महफिल। वेल, इस लुक के बारे में और इस लुक पर क्या है दिव्यांका का कहना, देखिए इस वीडियो में। आज सच में लग रहा है जैसे कि मैं बेगम ऑफ भोपाल ही बन गई हूँ, और शायद इसके पीछे हाथ है स्मिता मैम का, उनके पूरे डिपार्टमेंट का, मध्य प्रदेश। इसमें आप कलर की बात करें या मटेरियल की बात करें, सब कुछ हाथ से बनाया गया है। और आजकल के ज़माने में जहाँ पे ऑटोमेशन चल रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, हम लोग को फास्ट फॉरवर्ड कपड़ों की आदत पड़ गई है, और दो दिन कपड़े यूज़ करते हैं, इनफैक्ट लोग रिप्लेस भी कर देते हैं उसके बाद। लेकिन आज आप लोग जो कलेक्शन यहाँ लेकर आए हैं, वो कलेक्शन संजो के रखने वाला कलेक्शन है, वो ज्वेलरी की तरह है। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस इनिशिएटिव। मैं मुमताज़ जी को इंट्रोड्यूस करती हूँ। आप बहुत ही कमाल के डिज़ाइनर हैं, आपने इंटरनेशनल फैशन शोज़ किए हैं, और बड़े बड़े कलाकारों को भी आपने, जो मेरे लिए चंदेरी सिल्क की साड़ी बनाई है, उसमें जरदोजी का खास भोपाली काम है। भोपाली बोलते हैं मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मैं भोपाली हूँ। और इन्होंने जो स्पेशली ज्वेलरी AGS ज्वेलर्स की तरफ से है, वो भी उन्होंने स्पेशल कुंदनकारी का काम बनवाया है। कारीगर अच्छे हो तो पूरा ड्रेस बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है, और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ये जो क्राउन भी बनाया है, ये खास मेरी डिमांड पे बनाया था, क्योंकि मुझे जब उन्होंने बताया कि मैं बेगम ऑफ भोपाल हूँ, हमने रिसर्च की और मैंने पाया कि तब बेगमें क्राउन पहनती थी, तो उन्होंने पूरे हाथ से गढ़वा के ये क्राउन मेरे लिए बनवाया, एंड इट्स रियली कंफर्टेबल। आप लोग ट्राई कीजिए किसी दिन गर्मी में। दिव्यांका के इस लुक पर आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टीवी के अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। आप देख रहे थे फर्स्ट इंडिया टेली।